उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जोरों पर चल रहा है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों को उम्मीद है कि इमारत में खिड़की और दरवाजों पर काम इस साल सितंबर तक पूरा हो जाएगा। निर्माणाधीन मंदिर की ताजा तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की है। सागर में गरीब परिवारों के घर गिराए जाने पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्र अध्यक्ष मायावती ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की बुलडोजर राजनीति स्कूल के बाद अब गरीबों के घर तोड़ने लगी है। शुक्रवार सुबह उन्होंने ट्वीट में कहा, मध्य प्रदेश सरकार की विध्वंसकारी देशपूर्ण बुलडोजर राजनीति लोगों के घर और स्कूल तोड़ते तोड़ते अब पीएम आवास योजना के अंतर्गत बने गरीबों के मकान भी तोड़ने लगी है, जो अति निंदनीय है। इसी क्रम में सागर जिले में पीएम योजना के तहत बने 7 दलित परिवारों के घरों को ध्वस्त किया गया, जो कि बहुत शर्मनाक है। जनसंपर्क महाअभियान के तहत भाजपा आज पूरे यूपी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। सीएम योगी भी लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी सिविल अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। सीएम योगी ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने देश को नारा दिया था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। पीएम मोदी के ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर डॉक्टर मुखर्जी के इस सपने को साकार किया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शुक्रवार सुबह एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 6 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 1 साल की बच्ची की जान बच गई। मरने वालों में पति पत्नी, 2 बच्चे और अन्य शामिल है। एक ही बाइक पर 6 लोग सवार थे और सभी शादी समारोह से लौट रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा थाना चेरामऊ दक्षिणी के दिलावरपुर गाँव के पास का है। यूपी के प्रतापगढ़ पुलिस ने बड़े आर्थिक अपराध का खुलासा किया है। प्रतापगढ़ पुलिस ने चेक क्लोजिंग में से फ्रॉड करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। ये ठग फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए फेक अकाउंट खुलवा कर क्लोन चेक से लेन देन करते थे। ठगों ने 65 चेक की क्लोनिंग कर बैंक से करोड़ों रुपए उड़ाए हैं। पुलिस ने 3 चेक फ्रॉड अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पूर्वांचल में पिछले 2 दिनों से बादलों ने डेरा जमाया हुआ था। कई जिलों में रिमझिम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वाराणसी सहित पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में हुए बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि पूर्वांचल में मानसून ने दस्तक दे दिया है। वहीं इसके बीच मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश को लेकर बताया है कि 2 दिनों से पूर्वांचल में हो रही बारिश मानसून की बारिश नहीं बल्कि कुछ और ही वजह। यूपी बोर्ड ने अपने सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। अब 10वीं व 12वीं के छात्रों को वीर सावरकर सहित 50 महापुरुषों के बारे में पढ़ाया जाएगा। पाठ्यक्रम में कई दलित महापुरुषों के नाम भी जोड़े गए हैं। जिन महापुरुषों की जीवन गाथा छात्रों को पढ़ाई जाएगी, उनमें से प्रमुख रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महावीर जैन, पंडित मदन मोहन मालवीय, अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय, सरोजनी नायडू, नाना साहब व कई दलित महापुरुषों के नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सर्किट हाउस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खापरी के सामने कुर्सी को लेकर जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद और कांग्रेस नेता सलीम अख्तर भिड़ गए। दोनों में जमकर नोकझोंक हुई। बाद में प्रांतीय अध्यक्ष पश्चिमी यूपी नसीरुद्दीन सिद्दीकी को पूर्व विधायक के घर कांठ रोड छोड़ने गए। जिला अध्यक्ष के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। इसके बाद दोनों कांग्रेसी नेता कोतवाली पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के आगरा में पिछले 2 दिनों से हुई बारिश के बाद शहर में अलग अलग 3 स्थानों पर जहरीले सांप निकले हैं। 5-5 फुट लंबे इन कोबरा सांपों वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन की टीम ने रेस्क्यू करने के बाद उनके प्राकृतिक आवास छोड़ दिया है।